नमस्कार, मैं हूँ रिया विट्लीवाल। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का टॉप एनडी 7 न्यूज। देखिए पूरी खबर। देश भर में चयनित राज्य व जिलों में ही अफीम की खेती होती है। इस खेती पर सरकार का नियंत्रण रहता है। विगत कई वर्षों से अफीम किसान परंपरागत खेती करते आ रहे हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश की, तो इन राज्यों में कुछ जिलों में अफीम की खेती अफीम किसानों द्वारा की जाती है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ सहित मध्य प्रदेश के नीमच मंदसौर जिले में अधिकतम अफीम किसान है, जो कि उनके पुरखों के समय से चली आ रही लूनी चिमनी वाले अफीम की खेती करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ वर्षों पूर्व से सरकार ने CPS पद्धति से अफीम की खेती करने के लाइसेंस अफीम किसानों को देने प्रारंभ कर दिए हैं। ज्ञात हो कि CPS पद्धति की अफीम खेती में लूनी चिमनी नहीं रहती है। वहीं सरकार द्वारा धीरे धीरे कई अफीम किसानों के अफीम पट्टे कम औसत मार्जिन आदि कारणों के चलते निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि मौसम की मार की वजह से अफीम किसानों को काफी हद तक नुकसान उठाकर भी अफीम लाइसेंस गंवाना पड़ा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश के कई अफीम किसान निरंतर अफीम किसानों की पीड़ा को लेकर आवाज उठा रहे हैं। वह 1997-98 में काटे गए अफीम पट्टे की बहाली व CPS पद्धति को बंद करने की मांग निरंतर तहसील स्तर, जिला स्तर पर व दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन व ज्ञापन के माध्यम से की जा रही है। अफीम किसान वर्तमान में दिल्ली जंतर मंतर पर इन मांगों को लेकर पहुंचे हैं, जिसमें 1997-98 से काटे गए सभी अफीम पट्टे व आजादी से आज तक अफीम खेती कर चुके सभी किसानों को लूनी चिमनी के अफीम पट्टे दिए जाए। वहीं अवैधानिक रूप से नारकोटिक्स विभाग द्वारा किसानों पर थोपा गए CPS पद्धति तुरंत प्रभाव से बंद किए जाए और सभी किसानों को लूनी चिमनी के अफीम पट्टे दिए जाए। वहीं अफीम का मूल्य बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य न सही तो कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का आधा मूल्य तो किसानों को दिया जाए। उपरोक्त तीनों बिंदुओं के मद्देनजर परंपरागत अफीम खेती को बचाने व CPS पद्धति समाप्ति और अफीम का मूल्य बढ़ाने के बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए अफीम खेती की नीति 2024-25 जारी की जाए। उक्त मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अफीम किसान व किसान पुत्र प्रतिनिधियों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन में उपस्थित होकर भारत सरकार से देश व किसान हित में पारदर्शी अफीम खेती की नीति 2024-25 जारी करने की मांग की। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।